सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रानी नागर है। मैं एक IAS अधिकारी हूँ तथा वर्तमान में हरियाणा सरकार पशुपालन विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात हूँ। यह पदभार मैंने 9 मई 2018 से ग्रहण किया है। मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक ईमेल शेयर की है, उसमें मेरे साथ पिछले लगभग 3 वर्षों में जो मेरा शोषण किया जा रहा है उस बारे में मैंने विस्तृत वर्णन किया है। मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि कृपया आप अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकालकर उसे पढ़ें तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त भी मेरे साथ जो दुर्व्यवहार होता रहा, जो घटनाएं होती रहीं, उसके बारे में मैं अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट करती रही हूँ। मैंने चंडीगढ़ में पशुपालन विभाग में पदभार ग्रहण किया 9 मई 2018। तभी से मेरे उच्च अधिकारी माननीय सुनील के गुलाटी जी, जो एक IAS अधिकारी हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव पद के पद पर तैनात हैं पशुपालन विभाग में, उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत ही अमर्यादापूर्ण एवं अनैतिक रहा है। उन्होंने मुझे डराया, धमकाया और मेरा यौन उत्पीड़न किया है। इसी तरह की घटनाएं मेरे साथ पहले भी होती रही हैं। मैं अम्बाला में पोस्टेड थी जब भी मेरे साथ यौन शोषण करने की कोशिश की गई और इस तरह की हरकतें की गई जो यौन शोषण के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त मैं अपने उच्च अधिकारियों को समय समय पर यह सूचना देती रही हूँ कि मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है या मेरा क्या शोषण हो रहा है। उसकी भी एक लिस्ट जो कि 10 पन्नों की है, मैंने इसी ईमेल के साथ संलग्न की है। उसमें ये सूचना दी गई है कि किस वर्ष में कितनी तारीख को मैंने किस किस अधिकारी को लिखित तौर पर अपनी किस किस समस्या के बारे में सूचित किया। इसके अतिरिक्त मैं कुछ समय पहले डबवाली में SDM के पद पर तैनात थी। वहां पर मेरे सरकारी आवास की खिड़की तोड़कर कोई अज्ञात व्यक्ति घुस आए, घर में घुसकर मेरे TV का सेट टॉप बॉक्स ऑन करके चले गए और आज तक पुलिस विभाग को ये नहीं पता है कि यह कार्रवाई किसने की है। उन्हें उनका जवाब ये है कि उन्हें इस बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। सुनील कुमार गुलाटी जी, वो मेरा यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, मुझे रोज डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जिससे कि वो और आगे बढ़कर मेरा और अधिक यौन शोषण कर सके। मुझे अपनी जान को बहुत खतरा है। आज उन्होंने मुझे एक ऐसी मीटिंग के बहाने से बुलाया रोहतक में, जिसमें शाम को 2:30-3 बजे से लेकर 5 बजे तक वो अपने सिर्फ व्यक्तिगत विचार साझा करने के लिए मुझे बुला रहे थे और रोहतक से शाम को 5 बजे के बाद मुझे चंडीगढ़ तक अकेले जाने के लिए उन्होंने आदेश दिए थे, जो कि रात में, मेरे पास कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं है। इसीलिए मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि कृपया इसके बारे में आप जनता को सूचित करें कि किस तरह की समस्याओं से मैं जूझ रही हूं। और मेरा आप सभी को हार्दिक आभार है कि आप सभी ने मेरी समस्या सुनी, अपने कीमती समय से समय निकाला और आप यहां पर आए और आपने मेरी बात मुझे जनता तक रखने का एक माध्यम उपलब्ध कराया। देखिए, मैंने FIR बहुत दर्ज कराई है। जो घटनाएं मेरे साथ होती रही हैं, अम्बाला में हुई, कोसली में हुई, कोसली में भी मेरे साथ अभद्रता हुई थी, उसका कोर्ट केस भी चल रहा है, मैंने गवाही भी दी है और वो मामला विचाराधीन है अभी माननीय न्यायालय में। डबवाली में मेरे साथ जो हुआ है, मैंने उसकी भी FIR दर्ज कराई है और इसमें नवीनतम घटना जब माननीय सुनील कुमार गुलाटी जी ने मेरी कुर्सी में धक्का मारा, मुझे अपनी सीट की तरफ बुलाया, वो 6 जून 2018 की है। उसके बाद 2 ही दिन निकले हैं और मुझे 8 तारीख को आदेश मिल गया था कि आप रोहतक पहुंचिएगा और इस तरह से रात में आपको अकेले सफर करना है। तो इसीलिए मैं उसमें घबराई हुई थी। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए ये बेहतर लगा कि पहले मैं इस बात को ओपन कर दूं और साथ में अपनी कानूनी कार्रवाई मैं छोड़ूंगी नहीं, उसमें मैं पुलिस की कार्रवाई भी करूंगी और माननीय न्यायालय की कार्रवाई भी करूंगी। मैम, आप खुद एक IAS ऑफिसर हैं और जिस तरह से आपने अपने सीनियर्स के बारे में बताया, क्या वाकई IAS लोगों में इस तरह की घटनाएं होती है और भी महिलाएं जो IAS महिलाएं हैं उनके साथ भी इस तरह का यौन शोषण या इस तरह की बदतमीजियां हुई है? देखिए, मेरे साथ हो रही है। मेरे साथ किसी ने अपना ये विचार साझा प्रत्यक्ष तौर पर नहीं किया कि उसके साथ हो रहा है। मेरे साथ जो हुआ मैंने इतने अधिकारियों के साथ शेयर किया है, पिछले लगभग 3 सालों से अम्बाला से करती आ रही हूँ, मेरे साथ हो रहा है, मैं ये जानती हूँ और उस समस्या का समाधान हो नहीं रहा है, वो आक्रामकता बढ़ती जा रही है। जब आप अधिकारी के पास जाती हैं तो फीडबैक क्या मिलता है, क्योंकि आपने बताया सीनियर अधिकारी के पास आप जाती हैं, तो सीनियर अधिकारी किस तरह से आपको बताते हैं या क्या कहने के लिए कहते हैं कि आप ये कीजिए?
किस चीज के बारे में आप पूछो, आप कंप्लेन के पास लेकर जाते, मुझे जवाब नहीं मिलता अधिकतर। मैं तो लिखित में कंप्लेंट करती हूँ, मेरे पास आप ये बात आगे पता चलेगी, हम न्यायालय में जाएंगे कि जितनी मैंने कंप्लेंट करी उस लिस्ट में, मैंने ये लिस्ट न्यायालय में भी जमा करी है, कम से कम विभाग की तरफ से जवाब पता लगे इनमें से कितनी चिट्ठियों का मुझे कोई जवाब भी दिया गया। समाधान हुआ या ना हुआ वो एक बात की बात है। किससे? मैंने लिखित में बहुत शिकायतें भी दी और मौखिक तौर पर या मिलकर मैंने कभी बात नहीं की। जिन अधिकारियों से आप मिली, क्या उन अधिकारियों किसी के नाम आप बताना चाहेंगी, अधिकारियों से आपने अपनी कंप्लेंट उनके सामने? मैंने लिखित में भेजी है, आप मेरी ईमेल पढ़िए, उसमें हर उसमें 10 पन्नों की शीट में यही लिखा हुआ है किस समस्या के संबंध में किस अधिकारी की ईमेल आईडी पर मैंने ईमेल के माध्यम से शिकायत करी है। 3 साल आपने बताया, लगभग 3 साल, उसमें बीच में क्या था, बीच में हम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी चले जाते हैं, दूसरी जगह ट्रेनिंग में भी चले जाते हैं, तो बीच के कुछ फेज में जहाँ जहाँ समस्याएं आई उसको मैंने तिथिवार उस क्रम में डाला है और उसकी मैंने शिकायत डाली है। जहाँ पे समस्या नहीं आई वहाँ पे आपको शिकायत नहीं पड़ेगी। केवल गुलाटी जी जो अभी आपके सीनियर हैं उन्हीं से प्रॉब्लम है, मतलब वही कर छेड़खानी या फिर उससे पहले जहाँ आपकी पोस्टिंग रही है वहाँ भी कोई और लोग नहीं? देखिए मेरे साथ छेड़खानी अम्बाला से चल रही है, लेकिन गुलाटी जी के साथ मेरी पहली ड्यूटी जो लगी है वो 9 मई 2018 से लगी है, तो उससे पहले के जो लोग थे जब मेरा यौन शोषण हुआ और जिन अधिकारियों ने उन पर कार्रवाई नहीं करी वो भी उसमें शामिल थे। अम्बाला में कौन लोग थे आरोपी? अम्बाला में मैंने, आपने मेरी मेल अगर ना पढ़ पाए हो तो मैं बता देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का दरबार लगा हुआ था, अक्टूबर 2015 की बात है, और वहाँ पर उस वक्त अम्बाला पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री ओपी सिंह जी आईपीएस अधिकारी हरियाणा 92 बैच, उन्होंने मेरे साथ अभद्र इशारे किए, वो स्टेज पर सामने बैठे हुए थे, मैं ऑडियंस में फर्स्ट रो में बैठी हुई थी। ये बात मैं माननीय न्यायालय में भी लिखकर देखकर आई हूँ और वही चीज मैंने माननीय जो भी मुझे ईमेल मिली केंद्रीय सरकार के उसमें या माननीय राष्ट्रपति महोदय के उस पर मैंने साझा करी है, माननीय न्यायालय में लिख के दिया है। उसके बाद वो एक बड़े अधिकारी थे, उन्होंने किया, उसके तुरंत बाद मेरे ऑफिस में जो मुझे सरकारी गाड़ी दी जाती थी उसके ड्राइवरों ने मेरे साथ गाड़ी में बदतमीजी करनी शुरू कर दी। जब वो गाड़ी चला रहे होते थे तो वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को रब करते थे, मास्टरबेट करते थे, और मैं उसकी शिकायत करती थी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। बीजेपी की गवर्नमेंट है हरियाणा में, सेंट्रल में और इस सब का जिक्र मैंने उस ईमेल में किया है, आप पढ़ना चाहें मुझसे पूछना चाहें। मैं इस समस्या को जब 3 साल झेल सकती हूँ तो मैं उसकी लड़ाई आगे कानून की और न्यायालय की मैं लड़ाई लड़ूंगी। किस चीज की? सब घटनाओं की। देखिए मैंने जहाँ जहाँ हुई है थाने में FIR कराई, उस वक्त मैं एक ट्रेनी थी, उस वक्त मेरी ट्रेनिंग पे गई हुई थी मैं अम्बाला, कोई मैं SDM नहीं थी, कोई मेरी पावर नहीं थी, एक बच्चा जिसकी अभी तक ट्रेनिंग पर पूरी होके को उसे सीट भी नहीं मिली है, वो एक ऐसा ट्रेनी वहां पे गया है, आपको लगता है कि, और एक पुलिस का कमिश्नर ऑफ पुलिस बैठ के उसके साथ अभद्रता कर रहा है, और एक लड़की, क्या आप उम्मीद करते हो कि उस समय मैं सोचूंगी मुझे पुलिस से न्याय मिल जाएगा? और सवाल ये है मैडम कि आप खुद एक IAS ऑफिसर हैं, जब आपके साथ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं फिर आम महिलाओं के बारे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? दूसरा ये कि क्या महिला आयोग से लेकर के कभी आपने सेंटर, क्योंकि आप लोग सेंट्रल सर्विसेज के हैं, कभी सेंटर में आप लोगों ने PMO जो भी दिया DOPT में कभी कोई शिकायत की? नहीं, मैंने DOPT में शिकायत नहीं की, महिला आयोग में भी मैं नहीं गई हूँ, मैं अपने सीनियर चैनल्स पे ही चलती रही, मुझे ये लगा कि इसी से मेरी समस्या का समाधान होता रहेगा, लेकिन आक्रामकता बढ़ती चली गई मेरे शिकायत करने के बाद, मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, उल्टा सड़क पे, जैसे मैंने कोसली के वारदात बताई, सड़क पे एक व्यक्ति जो मुझसे जमानत लेके गया 8 जून को मेरी अदालत से, 8 जून 2017 क्या वो पहचानता नहीं है मैं SDM हूँ, उसने बीच सड़क पे मेरी गाड़ी के सामने मेरे से अभद्र हरकत की 12 जून को 3-4 दिन बाद ही, तो वो आक्रामकता बढ़ दी गई, उसके बाद और बढ़ी, डब्वाली में मेरा घर तोड़ के भी घुस गए, उसके बाद मैं चंडीगढ़ पहुंची तो मेरे साथ इस तरह की प्रत्यक्ष हरकत मेरे उच्च अधिकारी सीधा करने लगे, आक्रामकता अब आगे बढ़ती जा रही है, तो मैं भी अपनी जहाँ जहाँ मैंने अपनी समस्या रखी थी मैं और भी आगे रखूंगी। अब आप मैम ओपन मीडिया के सामने आई हैं, आपने सारी शिकायतें अपनी बताई, पर दर्द आपने बयां किया है,
अब क्या ये सवाल उठता है कि आप इस सर्विस को कैरी करना चाहेंगे जिस तरह से अब तक की घटना है और आपके साथ? मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। किस तरह से पेश करेंगे? देखिए, कोई भी महिला है, आप कह रहे हो मैं महिला यहाँ बैठ के काम कर रही हूँ तो भी समस्या फेस कर रही हूँ, एक महिला है किसी और जगह ड्यूटी करने जाती है या घर में भी होती है, ये समस्या किसी एक महिला की, एक अधिकारी की नहीं है, ये समाज की समस्या है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा आप इस बात की जागृति लाते हैं कि कितना शोषण महिलाओं का हो रहा है, तो क्या वो नहीं सामना करती? वो घर में रह के या कहीं और जाके, किसी और दफ्तर में जाके सामना करती है? मैं इस दफ्तर में रह के सामना करूंगी, पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। सुनील कुमार गुलाटी जी मुझसे ये कहते हैं, फाइल सही हो या गलत हो, आप इस पे सिर्फ दस्तखत करी है, आप ये मत लिखिए फाइल में कुछ गलत हो रहा है। मैं ईमानदारी से काम करूंगी, जब तक मेरी सांस है ईमानदारी से अपने देश की सेवा करूंगी। ईमानदारी से काम करना ही आपके ऊपर के अफसरों को खटकता है, वो आपको तरह तरह से चाहे यौन शोषण के माध्यम से चाहे आपको अपनी सर्विसेज के माध्यम से दबाने की कोशिश करते हैं। दोनों ही बात है, यौन शोषण भी है और मेरी ईमानदारी भी उनकी समस्या है। अब आप कैमरे के सामने आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं अब आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि आपने सीनियर के खिलाफ एक तरह से आ गई है और वो सीनियर को भी आपके अगेंस्ट हो जाएगी। भाई, जान को खतरा मेरी तारीख को अम्बाला से है, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सामने बैठ के मेरे से अभद्र इशारे किए और मैंने उसकी बात नहीं मानी, उसके पास चल के नहीं गई, तो उसी दिन से अम्बाला में मेरे पीछे गुंडे घूमने लग गए थे, उस दिन से जान का हमला लिए घूम रही हूँ। जिस दिन से मेरे ऑफिस के ड्राइवर मेरी गाड़ी में बैठकर और मास्टर बेट करने लग गए थे, जान का खतरा उस दिन से लेकर घूम रही हूँ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।